छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी के पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े का छलका दर्द, अपनी ही सरकार की कमियों को किया उजागर। कहा, यदि कमीशन नहीं लिया होता और सैकड़ों करोड़ों की दलाली नहीं होती तो भाजपा चौथी बार सत्ता में आ जाती। जो फिजूल खर्ची में पैसे बांटे गए उससे किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता था। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए पूर्व मंत्री राजवाड़े ने कहा कि उनके विभाग की योजनाओं में भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। उनके विभाग द्वारा जो साइकिल बांटी गई उसमें भी कमीशन खोरी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि साइकिलें ना बांटी गई होती और यह पैसा किसानों की कर्ज माफी में लगा दिया गया होता, साथ ही बिजली बिल भी हाफ कर दिए गए होते, तो आज कांग्रेस की बजाय भाजपा सरकार में होती। पूर्व श्रम मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि 200 करोड़ के साइकिल सिलाई मशीन वितरण में दलाली हुई है, जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला, इसलिए ये सब हार की सुनामी में बह गया और पार्टी हार गई। उन्होंने कहा कि वो तत्कालीन रमन सरकार विरोधी बातें नहीं कर रहे, बल्कि ये सलाह उस वक्त रहे सीएम डॉक्टर रमन को भी दिए थे। इनकंसिस्टेंसी रहता है, 15 साल की हमारी सरकार थी, लेकिन चिंता मत करिए, इन्हीं का है दिग्गज चुनाव लड़ते हैं। हाई प्रोफाइल सीट होता है तभी लड़ने मजा आता है, और हमारे कार्यकर्ता किसी से कम नहीं है। और सब लोगों को पुनः होली पर्व की बहुत सारी बधाई। मैं बता रहा हूँ, 200 करोड़ का मेरे विभाग से साइकिल और सिलाई मशीन बटा, मत बांटते उसको, सारे किसानों को दे देते, किसानों का कर्जा माफ कर देते, बिजली बिल हाफ कर देते, तो लगता कि हाँ सबको मिल गया। अब वो साइकिल भी मिला तो किसको मिला चाहिए, तो उसको ना मिल करके दूसरों मिला, सब में दलाली चला, सब खत्म कर दिए, वो भी सब काम जो है वो सब सुनामी में आ गया, इसलिए सब गड़बड़ा गया है कि नहीं। मैं कोई सरकार का विरोधी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मुख्यमंत्री जी को भी दिया कि अगर हम लोग ऐसा करते तो हम लोग